बताता हूँ आपको ऋषिकेश से कर्णप्रयाग जो रेलवे का काम चल रहा है उसके बारे में कुछ बताता हूँ। ये पीछे देख सकते हो आप, ये टनल दिख रही है आपको, मेन टनल। तो अभी मतलब एक साल का काम और बच गया है लगभग। उसके बाद मतलब पटरी बिछना चालू हो जाएगी। तो मैं बताता हूँ आपको आगे। और अगर इसमें पैकेज की बात किया जाए तो टोटल 9 पैकेज है, जिसमें 2 L&T के पास है और 2 नविका के पास है, और बाकी ऐसी बहुत सारी कंपनियां, ऋतिक हो गई और मैक्स मेगा, सबके पास एक एक दो पैकेज है। और इस टाइम से 125 किलोमीटर है मतलब टनल के द्वारा, और इसमें आपके 35 पुल बनेंगे और 12 किलोमीटर। सामने फैन जैसा दिख रहा है, ये वेंटिलेशन फैन है, मतलब ब्लोअर है। इसमें 2 किलोमीटर अंदर तक ये टनल जा चुकी है, तो मतलब अंदर ऑक्सीजन के लिए मतलब यहाँ से हवा जाती है अंदर। जो सामने टनल दिख रही है 3-लाइन टनल है, मतलब इसमें मेन टनल है, इसमें से रेल आएगी जाएगी। और जो नीचे वाली टनल दिख रही है वो गाड़ियों के लिए स्किप टनल, और आगे से बीच बीच में इसमें जाने के लिए मतलब रास्ता भी है क्रॉस पैसेज। ट्रेन की पटरी है सिंगल लाइन, इसको ब्रॉड गेज बोला जाता है, मतलब ब्रॉड गेज नाम है उसका। और मतलब एक फेस से दूसरे फेस में जाने के लिए रास्ते बने हुए हैं, हर 300 मीटर पर 300 किलोमीटर के लिए रास्ते बने हुए हैं। ये टनल का शेप अभी देखो कैसा है, और इसके बाद इसमें गेंटरिंग होगी, फिनिशिंग होगा, उसके बाद का शेप भी आपको वीडियो में बताया जाएगा। पर टनल का शेप कैसा है, और यहाँ पर आगे मतलब पूरा यहाँ पर आगे जो दिख रहा है आपको, यहाँ पूरा गेंटरिंग हो चुकी है, मतलब ये फाइनल शेप आ गया इसका क्लीनिंग का। और उसके बाद यहाँ पर नीचे मतलब इसकी पटरी बिछेगी, और ये 2-लाइन टनल है। ये देखो लोकेशन बॉक्स वगैरह बनाए हुए हैं यहाँ पर, मतलब TRN वगैरह बिजली के खंभे के लिए या मतलब बिजली की मशीनों के लिए। वो सेटअप दिख रहा है, ये मतलब केंटरिंग का सेटअप है, और उसके नीचे मशीन खड़ी है, टेली हैंडर है, और ये सर्किट बिल्डर है। यहाँ पर भी कंक्रीट हो रहा है पूरा बढ़िया ढंग से, ये ऊपर भी केंटरिंग होगा, फिर इस टनल का भी फाइनल शेप आ जाएगा। देख सकते हो आप कितना मतलब मजबूत तरीके से काम हो रहा है। नीचे भी इसके लेटी स्टार्टर वगैरह लगे हुए हैं, फिर बीच में वाटर के लिए पाइप भी दिए गए ताकि टनल में जो पानी आएगा तो इस पाइप के द्वारा बाहर आ जाएगा। देख सकते हो पाइप वगैरह टनल है, यहाँ 3-लाइन टनल है, मतलब यहाँ पे ट्रेन की 3-3 पटरियाँ रहेंगी बाहर से लेकर 150 मीटर तक, ताकि बाद में मतलब ट्रेन के डिब्बे इंजन वगैरह चेंज करने के लिए। ज़्यादा दूर तक नहीं है, सिर्फ 150 मीटर तक ही है, उसके बाद 2-लाइन और फिर सिंगल लाइन। मतलब जो ट्रेन आएगी वो सिर्फ मतलब इसमें ट्रेन का एक ही पटरी पीछा रहेगा वो सिंगल लाइन में। सीन देख रहे हो आप, ये टाइम रॉक है, मतलब ये फेस में ड्रिलिंग करने का काम आता है, जैसे मतलब फेस में ड्रिलिंग और फेस में सपोर्टिंग बोर्ड, रॉक बोर्ड, एसएन बोर्ड मारने का काम आता है। तो देख सकते हो आप मशीन को, इसको बूमर भी बोला जाता है, सैंडविक का है मशीन है ये मशीन, शॉर्ट किट मशीन है, और इसका काम है कि मतलब फेस में शॉर्ट किट मारना, जैसे कि फेस में ड्रिलिंग ब्लास्ट हो जाता है, उसके बाद शॉर्ट किट, स्लिंग शॉर्ट किट, और फिर फाइनल शॉर्ट किट होता है। ये मशीन है नॉर्मेट की है, पुटमाइजर का है ये वाला।